खबर पीलीभीत से। मोबाइल एवं गल्ला व्यापारी की चोरी का पर्दाफाश करने पर व्यापारियों ने जताया पुलिस अधीक्षक पर भरोसा। व्यापारियों ने की आज जिले स्तर की बैठक। पुरनपुर डकैती का भी करे जल्द खुलासा, अनूप अग्रवाल व शैली अग्रवाल ने कहा। पीलीभीत जनपद में कुछ दिनों से चोरियों की बाढ़ आई हुई है, जहां एक ओर शहर की गल्ला मंडी में व्यापारी नीलेश अग्रवाल सऊद शमसी की दुकानों को चोरों ने निशाना बनाया था। पुलिस चोरों को टटोल ही रही थी कि वहीं दूसरी ओर पूरनपुर में व्यापारी सुनील गुप्ता के घर डकैतों ने गन पॉइंट पर लेकर लाखों की डकैती कर फरार हो गए, जिसमें आईजी रेंज सहित पुलिस अधीक्षक अतुल शर्मा ने पहुंचकर मौका मुआयना की। एसओजी की टीम एक टीम बनाकर खुलासे को लगाई गई है। वहीं समय बीत जाने के बाद भी किसी भी चोरी का खुलासा नहीं हो पाया है, जिस पर व्यापारियों में आक्रोश बढ़ता गया। मंगलवार को शहर के गेस चौराहे स्थित मोबाइल व्यापारी कपिल वर्मा के प्रतिष्ठान पर चोरों ने निशाना बनाते हुए चोरी की और लाखों के मोबाइल चुरा लिए। मौके पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिलाध्यक्ष अनूप अग्रवाल व जिला महामंत्री शैली अग्रवाल ने पहुंचकर लगातार हो रही चोरियों की घटनाओं से आहत होकर रोड पर ही धरना दे दिया। जिलाध्यक्ष अनूप अग्रवाल के धरने पर बैठते ही पुलिस अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए। देर रात को जिले के व्यापारियों की आवाज को बुलंद करने वाले, हर व्यापारी की आवाज को मजबूती के साथ प्रशासन में रखने वाले जिला महामंत्री शैली अग्रवाल के प्रतिष्ठान को एक आपातकाल बैठक बुलाई गई, जिसमें जिला महामंत्री द्वारा पुलिस अधीक्षक अतुल शर्मा से मुलाकात कर वार्ता करने का सुनिश्चित किया गया। अगले दिन जिलाध्यक्ष अनूप अग्रवाल, जिला महामंत्री शैली अग्रवाल के नेतृत्व में व्यापारियों का शिष्ट मंडल पुलिस अधीक्षक अतुल शर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक विक्रम दहिया से मुलाकात कर चोरियों की घटनाओं को जल्द से जल्द खोलकर व्यापारियों का माल बरामद करा कर देने को कहा गया। व्यापारी नेताओं ने 3 दिन में चोरी खोलने का अल्टीमेटम भी दे डाला था। यदि उनके भीतर चोरियों का पर्दाफाश नहीं किया गया तो व्यापार मंडल उग्र आंदोलन करने पर वश होगा। 3 दिन भी बीत जाने के बाद आज पीड़ित व्यापारी कपिल वर्मा, नीलेश अग्रवाल, पूरनपुर के नाना व्यापारी सुनील गुप्ता के साथ उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिलाध्यक्ष अनूप अग्रवाल, जिला महामंत्री शैली अग्रवाल की अध्यक्षता में, प्रांतीय उपाध्यक्ष हंसराज गुलाटी की अध्यक्षता में व्यापार मंडल कार्यालय व्यापार भवन में जिले स्तर पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में पूरनपुर इकाई, बिसलपुर इकाई, बिलसंडा इकाई, मझोला इकाई, बरखेड़ा इकाई के सभी नगर अध्यक्ष अपनी अपनी टीम के साथ उपस्थित रहे। क्रांति उपाध्यक्ष हंसराज गुलाटी ने कहा कि पूरनपुर डकैती का जल्द से जल्द पर्दाफाश होना चाहिए। यदि पुलिस खुलासे में शिथिलता बरतेगी तो व्यापार मंडल उग्र आंदोलन करने पर विवश होगा। जिलाध्यक्ष अनूप अग्रवाल ने कहा कि मोबाइल व्यापारी कपिल वर्मा, गल्ला व्यापारी नीलेश अग्रवाल के यहाँ चोरी का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। चोरों को पकड़ लिया गया है। चोरों से चोरी किया गया माल भी बरामद कर दिया गया है। जिला महामंत्री शैली अग्रवाल ने कहा कि हमें पुलिस पर पूर्ण भरोसा है। पूरनपुर डकैती का भी जल्द ही पर्दाफाश होगा, जो कि अति आवश्यक भी है। सभी इकाइयों के अध्यक्ष महामंत्रियों ने बारी बारी से अपने विचार रखे। बैठक का सफल संचालन नगर महामंत्री अलाउद्दीन अंसारी ने किया। बैठक में मौजूद नगर अध्यक्ष संजय गुप्ता, नगर महामंत्री अलाउद्दीन अंसारी, युवा जिलाध्यक्ष नीरज मिश्रा, महामंत्री अमित अवस्थी, युवा नगर अध्यक्ष ऋषभ सिंह, महामंत्री शुभम कटियार, मझोला नगर अध्यक्ष जाहिर खान, बिलसंडा नगर अध्यक्ष अवनीश जायसवाल, महामंत्री मोहम्मद रेहान, युवा नगर अध्यक्ष बल्लू भुजवाल, महामंत्री शक्ति जायसवाल, बरखेड़ा युवा नगर अध्यक्ष शिवम सक्सेना, धुरेंद्र प्रताप, विभोर अग्रवाल, कोषाध्यक्ष निर्मित अग्रवाल, निमित अग्रवाल, ताहिल अली, मोइन खां, शवाज शेरी, अतुल महतिया, शलभ गुप्ता सहित सैकड़ों व्यापारी मौजूद रहे। पीलीभीत संवाददाता निजाकत अली की घटना का खुलासा किया गया है, किस तरीके से किया गया, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? देखिए, ये थाना कोतवाली और थाना सुनगढ़ी में कुछ चोरियां हुई थी। 28 और 29 की रात में दो दुकानों में नकब लगाकर चोरी हुई थी और 5 और 6 फरवरी की रात में ये नकब लगाकर एक मोबाइल शॉप में चोरी की गई थी, जिसमें कि कुछ मोबाइल गए थे और जो पहले की घटना है उसमें कुछ कैश वगैरह। इसी में हमारी टीम जो इसमें लगी हुई थी, सीओ सिटी की गाइडेंस में 2 टीमें इसमें हमने लगाई थी, एसपीडी और सिंगड़ी के अंदर, जिसमें कि इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। इसमें हमें सूचना मिली थी
कि बाइक से जो है ये चोरी के अभियुक्त हैं, वो बाइक से जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने चेकिंग लगाकर इनको पकड़ा। अगर इनको पकड़ा गया तो इनके पास से करीब ये दो मोटरसाइकिल हैं, जिस पर कि ये तीन लोग थे, तीनों के द्वारा ये इसमें चोरी की घटनाओं को माना गया कि इनके द्वारा की गई है। जिसमें इन लोगों से हमने 23 मोबाइल फ़ोन जो बरामद किए हैं घटना के, कुछ कैश बरामद किया गया है, और जो कैश थे उन्होंने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा था वो बरामद किया। इसके साथ ही साथ ये लोगों के पास दो तमंचे थे, एक चाकू था, तीनों के पास एक तमंचा और एक के पास एक चाकू, वो भी इनके पास बरामद किया गया, और चार कारतूस वो भी इनके पास बरामद किए गए। इन लोगों का आपराधिक इतिहास का नाम लग गया, तो ये लोग पहले भी चोरी की घटनाएँ कर चुके हैं इसी क्षेत्र में, और इनके द्वारा इस बार फिर ये घटना की जा रही थी और आगे भी घटना करने की इनकी प्लानिंग थी, तो इसमें इनको पकड़ा गया है। जल्दी हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे, आगे इनको लॉन्च कर भी जाओगे, और इनकी जल्दी जल्दी जो सज़ा हो जा सके उसके लिए भी हम लोग आगे प्रयास